अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी कुछ हटकर है। ये बाहर से कुछ और दिखते हैं और अंदर से कुछ और है। तो आज बनाते हैं चिकन चीज़ रोल्स। कुकिंग विद बेनज़ीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। हमने आधा कप भरकर पानी लिया है। ये पानी हल्का गर्म है। ये इतना गर्म होना चाहिए कि अगर आप इसमें आपकी उंगली को डाल देते हैं तो आपको इसकी गर्माहट नहीं महसूस होती। हम इसमें एक टीस्पून भरकर शक्कर डाल देंगे। अच्छी तरह से इसे मिलाएंगे। अब हम इसमें एक टीस्पून भरकर ड्राई ईस्ट डाल देंगे। हमने ये वाला ड्राई ईस्ट यूज़ किया है जो आपको मार्केट्स में इजीली मिल जाएगा। इन चीज़ों को मिलाकर हमें कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है। तब तक ईस्ट एक्टिवेट हो जाएगी। 10 मिनट हो चुके हैं, ईस्ट को चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कि ईस्ट अच्छी तरह से एक्टिव हो गया है। हमने 1.5 कप मैदा लिया है। जब भी आप मैदा यूज़ करें तो एक चीज़ का ध्यान रखें, मैदे को एक बार ज़रूर छान लें। मैदे में हम थोड़ा नमक डाल देंगे। अगर वज़न से देखें तो तकरीबन 200 ग्राम मैदा होगा। हम इसमें 2 टीस्पून के करीब कुकिंग ऑयल डाल देंगे। अच्छी तरह से मिलाएंगे। जो ईस्ट हमने एक्टिवेट करके रखे हैं ये पूरा हम इसमें डाल देंगे। हमें इसे गून करके तैयार करना है। ईस्ट डालने के बाद हम इसमें ध्यान से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूनने वाले हैं। पानी ध्यान से डालें, पानी को हल्का गर्म इस्तेमाल करें। हमने एक सॉफ्ट आटा लगा करके तैयार किया है, आप देख सकते हैं। इसे हम थोड़ा सा ऑयल लगाकर रख देने वाले हैं एक घंटे के लिए। हल्का तेल लगाएं इस पर। हम इसे इस तरह से कवर करके किसी गर्म जगह पर एक घंटे के लिए रखेंगे राइज होने के लिए। ये अच्छी तरह से राइज हो जाएगा। जब आप इस पर लिड लगाएं तो ध्यान रखें कि आटा हमारा नीचे होना चाहिए, उसमें काफ़ी जगह होनी चाहिए उसे राइज होने देने के लिए, और लिड ऊपर से इस तरह लगाएं। एक घंटा गर्म जगह पर हम इसे रखेंगे जब तक ये राइज नहीं होता। अगर आपको लगे एक घंटे में भी कि ये राइज नहीं हुआ है तो आप कुछ देर और रख दें। एक कढ़ाई में हम तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे। ऑयल में हम एक मीडियम साइज का प्याज डालेंगे स्लाइस करके, और एक हरी मिर्ची चॉप करके। 2 मिनट हो चुके हैं, प्याज नरम हो गई है। प्याज को हमें नरम करना है, ब्राउन नहीं करना। हम इसमें कॉर्न डाल देंगे 1/4 कप, यानी कि 3 से 4 टेबलस्पून भरकर। हम यहाँ पर फ्रोज़न कॉर्न यूज़ किए हैं, आप चाहें तो फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। कॉर्न को 1 मिनट हम चलाते हुए पकाएंगे तो ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। कॉर्न को अच्छी तरह से हमने सॉटे कर लिया है। हम इसमें चिकन डाल रहे हैं जिसे हमने बॉईल करके श्रेड किया है। यहाँ हम 200 ग्राम बोनलेस चिकन यूज़ कर रहे हैं। चिकन में हमने थोड़ा सा नमक डालकर बॉईल किया था और बाद में इस तरह से श्रेड कर लिया है। साथ में हम एक छोटा कैप्सिकम भी डालेंगे इस तरह से स्लाइस करके। फ्लेम को हाई करके 1 मिनट तमाम चीज़ों को हमें भून लेना है। अच्छी तरह से तमाम चीज़ें भुना गई हैं। हम इसमें 1 टेबलस्पून भरकर मैदा डाल देंगे। ये हमने 1 टेबलस्पून भरकर यूज़ किया है। इसमें मैदा डालने के बाद हम इसे 1 से 2 मिनट चलाते हुए पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। मैदा भुना गया है अच्छी तरह से। हम इसमें दूध ऐड कर देंगे। हम यहाँ पर 3/4 कप भरकर दूध ले रहे हैं, यानी कि 200 ml दूध। मिक्स्ड हर्ब्स डाल देंगे 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1/2 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर, आप चाहें तो काली मिर्च यूज़ करें, और थोड़ा नमक। नमक हमने चिकन बॉईल करते टाइम भी डाला है इसीलिए ध्यान से डालें। फ्लेम को अभी हमने लो रखा है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हमें मिला लेना है। सब चीज़ें मिक्स करने के बाद हमने फ्लेम को हाई किया है। हम अच्छी तरह से चिकन को ड्राई कर लेंगे, सुखा लेंगे हाई फ्लेम करके।
लेकिन इसे चलाते रहेंगे इस तरह से 2 मिनट अच्छी तरह से लो फ्लेम पर पकाने से ये बहुत अच्छी तरह ड्राई हो गया है। बस ऐसा ही मिक्सचर चाहिए हमें। हम इस पर हरा धनिया डाल देंगे, आप चाहें तो हरी प्याज भी डाल सकते हैं कट करके। फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे मिलाकर ठंडा होने देंगे अच्छी तरह से। 1 घंटा हो चुका है, हमारा डो अच्छी तरह से फूल कर राइज हो गया है। आप देख सकते हैं डो अच्छी तरह से राइज हो गया है। हम इसे इस तरह से पंच कर लेंगे। थोड़ा हाथों से 1 मिनट हम इस तरह से आटे को सीधा कर लेंगे। हमने 8 बॉल्स बना करके तैयार किए हैं, हम इन्हें कवर करके 10 मिनट रख देंगे। हम अब इनके रोल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से हमने पतली और लंबी रोटी बनाकर तैयार की है। हम इस पर ये चिकन की फिलिंग डाल देंगे, ज़्यादा नहीं, ये तकरीबन 1 टेबलस्पून भरकर डालेंगे। साथ में हम इस पर थोड़ी मोज़रेला चीज़ भी डाल देंगे। हम यहाँ पे मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रहे हैं, आप जो भी चीज़ पसंद करते हैं वो यूज़ करें। ये मोज़रेला चीज़ हमने घर पर बनाई है, इसका लिंक हम ऊपर दे रहे हैं आई बटन पर। बड़ी आसानी से आप ये चीज़ घर पर बना सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से पहले हम उठाकर इसे यूं इस पर रख देंगे। इस साइड से भी हमें इस तरह से बंद कर देना है। अब हम इसे नीचे से रोल करेंगे इस तरह। इसी तरह हम सारे रोल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। हमने अवन की ट्रे ले ली है और उस पर पार्चमेंट पेपर लगा के ऑयल से ग्रीस भी कर लिया है। हम इसे अवन में बेक करने वाले हैं। इस तरह से हम इस पर सेट कर देंगे सब। अवन की ट्रे में हमने इन्हें रख दिया है, हम इन्हें 1/2 घंटे तक इसी तरह रेस्ट करने देंगे, बाद में इन्हें बेक करेंगे। 1/2 घंटा हो चुका है, हमने अवन को प्रीहीट करने के लिए रख दिया है। हमने 200 डिग्रीज पर अवन को 10 मिनट के लिए प्रीहीट करने के लिए रखा है। हमने अंडे को बीट कर लिया है, हम इस पर एग वॉश कर देंगे इस तरह से। अगर आप अंडा नहीं खाते या नहीं डालना चाहते तो आप इसके बदले दूध का यूज़ कर लें। अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप इसे आसानी से प्रेशर कुकर या कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। हमने ऊपर आई बटन पर लिंक दिया है जिसमें हमने एगलेस पंच केक बनाया है बगैर अवन के। बिल्कुल उसी तरह आप इसे भी बेक कर सकते हैं प्रेशर कुकर में, कढ़ाई में या किसी भी अलग बर्तन में। अच्छी तरह से हमने एग वॉश कर दिया है। हम इस पर थोड़े तिल भी स्प्रिंकल कर देंगे, जिसे हम सेसमी सीड्स भी कहते हैं। इस तरह से इन्हें हम बेक करेंगे। हम इन्हें 180 डिग्रीज पर 30 से 35 मिनट बेक करेंगे। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे रोल्स बनके तैयार हुए हैं। हम इन्हें थोड़ा ठंडा होने देंगे, बाद में आपको बताएंगे ये अंदर से किस तरह तैयार हुए हैं।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।